हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की है, तो बहुत सारी क्लासेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको पता होगा कि पहले वाली क्लासेस में हमने पूरा का पूरा एंशिएंट हरियाणा और मिडिल हरियाणा पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे मॉडर्न हरियाणा के बारे में, यानी कि आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 1857 की क्रांति के बारे में, क्योंकि इसके बाद में ही आपके यहाँ पर जिस तरीके से ज्यादातर ब्रिटिशर्स किस तरीके से हावी हुए, कैसे उन्होंने हरियाणा पर अपना जो आधिपत्य है वो स्थापित किया। इससे पहले आपको पता होगा कि मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्राचीन हरियाणा पढ़ा दिया, और इसके साथ साथ मिडल हरियाणा यानी कि मध्य भारत में जो हरियाणा है वो किस तरीके से रहा था वो सब हम पढ़ चुके हैं। इसके आपको लगभग 35 क्लासेस हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। इसकी मैंने प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस एक ही जगह ऐड कर दी है। अब आपको जो क्लासेस है वो देखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरीके से ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपको एक ही जगह पर सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा प्राचीन हरियाणा पढ़ाया था, उसकी रिविजन भी करा रखी है, साथ साथ आपको ये मिडिल हरियाणा भी देखने को मिलेगा। आज जो हमारी क्लास रहेगी ना, वो रहेगी 1857 की क्रांति के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने जॉर्ज थॉमस के बारे में पढ़ लिया था, और मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर जो मराठे थे, मराठे फिर से एक्टिव हो गए थे, और क्योंकि 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तब मराठों का जो भी मतलब मराठों की जो शक्ति है वो बहुत अधिक मजबूत नहीं रही, तो हमारा हरियाणा हमारे हरियाणा को छोड़कर यहाँ से चले गए थे। ठीक है, इसके बाद ये वापस आए महादजी सिंधिया। क्या नाम था इनका? महादजी सिंधिया। जो ये सिंधिया थे ना, ये इन्होंने हरियाणा पर फिर से क्या किया, अपना मतलब हरियाणा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, जो महादजी सिंधिया थे। लेकिन आपको पता है, साथ साथ 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद में जो BEIC है यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका अधिकार जो है वो इंडिया पर ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्योंकि अब ये अधिकार यहाँ पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो सिंधिया है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते रहते थे, कभी मराठों के साथ लड़ाइयां कर रहे हैं, कभी सिखों के साथ में लड़ाइयां कर रहे हैं, कभी यहाँ पर जो मद्रास में लड़ाई कर रहे हैं, मैसूर में लड़ाई कर रहे हैं, कभी यहाँ पर पलासी की लड़ाई हो रही है, कभी बक्सर की लड़ाई हो रही है, तो इस तरीके से लड़ाइयां कर करके इन्होंने हमारे राजाओं को कमजोर कर दिया, क्योंकि इनमें आपसी एकता नहीं थी, आपस में भी एक दूसरे से लड़ती रहती थी, और अंग्रेज इस बात का क्या करते थे, फायदा उठा लेते थे। और इसी तरीके से यहाँ पर जो महादजी सिंधिया है, ये हमारे हरियाणा पर शासन था, इनका हमारे हरियाणा पर शासन था, तो 1803 में जब यहाँ पर इन्होंने मराठा युद्ध लड़ा, यहाँ पर मराठा अंगल युद्ध हुआ, तो मराठा अंगल युद्ध के तहत जब BEIC इनके साथ इनसे जीत गई थी, तो इनसे जीतने के बाद में 1803 में इन्होंने मराठों के साथ में एक संधि की थी, जिसका नाम था सूरजी अंजन गांव की संधि। क्या नाम था इसका? सूरजी अंजन गांव की संधि। ये जो सूरजी अंजन गांव है ना, ये हमारे हरियाणा में नहीं है, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अब ये जो संधि होती है ना, जहां पर होगी उसी के नाम पर ये संधि होगी। अब ये संधि महाराष्ट्र के सूरजी अंजन गांव में हुई है, और उसके तहत ही आपको पता है पहले हमारा हरियाणा जो है वो यूपी, और इस तरीके से यूपी का मतलब यहाँ पर इस तरीके से ये सभी पार्ट जो थे वो क्या थे, एक थे। जैसे ये यहाँ पर मराठों के भी, क्योंकि जो मराठे थे पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में ही एक्टिव थे, इस तरीके से पूरा जो उत्तर भारत है ना, यहाँ पर एक्टिव थे, यहाँ से टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, यूपी बिहार हरियाणा, इसके साथ साथ ये जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो यहाँ पर इनका जो बोलबाला है वो ज्यादा चलता था। ठीक है, तो इसके तहत जो मराठे है, मराठों ने अब यहाँ पर इसका इनका आधिपत्य, तो 1803 में BEIC ने मराठों के साथ सूरजी अंजन गांव की संधि के तहत हमारे हरियाणा को अपने अंडर में ले लिया। तो 1803 में जो BEIC है, इसने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा हरियाणा प्रांत है इसको उठाकर किस में मिला दिया, उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला दिया, यानी कि यूपी का पार्ट बना दिया हरियाणा को, पूरा पूरे तरीके से किसका पार्ट बना दिया इसे, यूपी का। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा क्या बना दिया गया है यहाँ पर, जो हरियाणा है, हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बना दिया गया। अब यानी कि जो BEIC है, अगर वो टैक्स कलेक्शन का काम करेगी, तो अब वो हरियाणा से नहीं बल्कि यूपी के एरिया से करेगी, क्योंकि हरियाणा किसका हिस्सा हो गया है, अब यूपी का हिस्सा हो गया। तो यहाँ पर अलग अलग हेड जो है वो बनाए जाते थे, जो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, तो ऐसा यहाँ पर हुआ, हरियाणा को इसमें मिला दिया, और यहीं से ही क्या करने लगे, टैक्स कलेक्शन का काम करने लगे। अब इसके बाद में आपको पता है, 1803 से लेकर 1857 तक यहाँ पर हरियाणा में
कोई भी बहुत ज्यादा एक्टिव यहाँ पर नहीं, मतलब कोई भी एक्टिव इस तरीके से कह सकते हैं एक्टिव राजा नहीं रहा। छुटपुर रियासतें उभर कर आई, जैसे छचरौली रियासत है, जींद रियासत है, नाभा है, पटियाला है, इस तरीके की बहादुरगढ़ है, इस तरीके की छोटी छोटी रियासतें जो है वो उभर कर सामने आने लगी। इस दौर में बहुत ज्यादा हमारे हरियाणा में बहुत ज्यादा तो कुछ देखने को नहीं मिलता है, कोई छुटपुट रियासतें हैं जिन्होंने आगे जाकर 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया और वहीं पर ये रियासतें ज्यादा फेमस होने लगी। तो अब हमारा जो, क्योंकि जो ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे 1857 की क्रांति से बनते हैं, क्योंकि जो ये रियासतें हैं ये भी कब एक्टिव हुई है, 1857 की क्रांति में ही एक्टिव हुई है। यहाँ से जिस तरीके से राजा नाहर सिंह थे, राव तुला राम थे, इनका नाम बहुत मतलब सम्मान के साथ हम लेते हैं, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम इनको, और हम इन्हें कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ हिस्ट्री में भी बहुत सम्मान के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में जानेंगे कि 1857 की क्रांति का हमारे हरियाणा ने क्या योगदान दिया, किसे कैसे फांसी दी गई, किसने अपने अपने को मतलब किसने अपने प्राण यहाँ पर देश के लिए न्योछावर कर दिए, ठीक है। तो वो सब आज की क्लास में पढ़ेंगे। आपको पता होगा जो 1857 की क्रांति है ये हमारे भारत का, ऐसा कहा जाता है कि ये क्या है, हमारे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्योंकि जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई तब हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा बहुत मतलब प्रसिद्ध आदमी नहीं था जो क्या लिख सके, कोई भी पुस्तक लिख सकता, या फिर उस समय में कोई भी ऐसे स्रोत नहीं मिले इंडियन, मतलब जो भी इंडियन राइटर्स है, इंडिया के लोग हैं, उनके द्वारा कोई भी 1857 की क्रांति को लेकर कोई अच्छी पुस्तक, या फिर ऐसा कह सकते हैं डिटेल में ऐसा कुछ पुस्तक नहीं लिखी गई। लिखी भी गई तो अंग्रेजों ने उसे क्या किया, मतलब एक तरीके से उसे छुपाने का काम किया। तो जो भी स्रोत हमें 1857 की क्रांति के दिखाई दिए वो अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों से मिलते हैं। तो अब अंग्रेज तो अपनी ही तरफदारी उसमें लिखेंगे, इंडिया के बारे में तो अच्छा नहीं लिखेंगे ना। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम था वीडी सावरकर। अगर आपने सावरकर के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में जब हमें वीडी सावरकर के बारे में पढ़ाया जाता है तो कंप्लीट इनके बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से इन्होंने मतलब क्या क्या काम किए। मैंने वीडी सावरकर के ऊपर पूरी बुक पढ़ी है, ठीक है। तो जो वीडी सावरकर है इन्होंने, ये कहाँ चले गए थे, लंदन में, इंग्लैंड में चले गए थे, ठीक है। इंग्लैंड में जाकर इन्होंने क्या किया, वहां पर एक हाउस था जिसका नाम था इंडिया हाउस। क्या नाम था इसका, इंडिया हाउस। इस इंडिया हाउस में जितने भी क्रांतिकारी हैं वो सभी क्या लिखते थे, बुक्स लिखते थे या कुछ भी मतलब अपनी एक्टिविटीज करते होंगे इस तरीके की। तो जो वीडी सावरकर है इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो हमारे ये जो 1857 की क्रांति है उसको लेकर थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस पुस्तक में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अभी आपके इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, मान लीजिए आपसे एग्जाम में ही पूछ लेता है कि बताइए 1857 की क्रांति को सबसे पहले भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने करने, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा, हमारे 1857 की क्रांति को कहा। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, अगर आपसे इंडियन हिस्ट्री में पूछता है तो आप इसको आसानी से टिक कर सकते हैं, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से, अब यहाँ पर बहुत सारे कारण उठते हैं कि जो 1857 की क्रांति है, इसके क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या थे, कि लोगों में इतनी क्रांति की भावना कैसे उभर कर सामने आई। तो यहाँ पर कुछ कारण थे जिसमें से आपका मेन कारण है सैनिक विद्रोह, ठीक है, सैनिक विद्रोह था। इसके साथ साथ जो समाज सुधार कर रहे थे वो समाज मतलब समाज सुधार भी इसमें एक मेन कारण बना, ठीक है। इसके साथ साथ जो किसान है, किसानों के लिए भी ये मेन कारण था। इसके साथ साथ हमारी जो आम जनता है उसने भी इसमें भाग लिया, वो भी विद्रोह पर उतारू हो गई, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जो आम जनता है उसमें भी बहुत अधिक रोष आ गया था। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जिस तरीके से सहायक संधि है, सहायक संधि के साथ साथ आपके राज्य हड़प की नीति है, तो ये इन सब ने, राज्य हड़प नीति, तो इन सब ने क्या किया, यहाँ पर एक तरीके से आग में घी डालने का काम किया। तो ये मेन कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ 1857 का संग्राम हो गया। अब सैनिक विद्रोह किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिला, जिस तरीके से आपको पता है जो सैनिक थे हमारे यहाँ पर, जो इंडियन सैनिक थे वो जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स के सैनिकों की संख्या में ज्यादा भी थे,
परंतु इन्हें क्या होता था, इनके साथ भेदभाव किया जाता था। सैलरी भी इन्हें बहुत कम मिलती थी, इनके साथ और भी तरीके के भेदभाव होते थे। आपको पता है हमारे भारत में, मतलब जो हमारे भारत की संस्कृति थी, परंपरा थी, उसमें कुंडल पहनते, तिलक लगाते थे। परंतु जो BEIC है, BEIC ने इन्हें क्या कहा कि आप आज से क्या नहीं पहनेंगे, कानों में कुंडल नहीं पहनेंगे, तिलक नहीं लगाएंगे, और आपको क्या करना होगा, पानी पार करके जाना होगा। अब पानी पार करके जाना ये क्या समझते थे, अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे इन्हें। मतलब एक तरीके से कुछ धार्मिक मानते थे कि अगर हम पानी को पार करके उस पार जाएंगे तो इससे हमारा धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस बात को क्या मानने लगे, ये खराब मानने लगे थे। तो ये भी इनमें क्या था, सैनिकों में एक तरीके का रोष था। और यहाँ पर जो इन्हें कम सैलरी मिलती थी, इनके साथ भेदभाव होता था, मारपीट की जाती थी। तो इस तरीके से जो सैलरी में जो मुद्दा है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके मन में एक रोष का कारण बना। इसके साथ साथ यहाँ पर जो इसका तात्कालिक कारण था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो चर्बी लगे कारतूस थे, ठीक है। यहाँ पर क्या था एक मेन मोटिव, इसका तात्कालिक कारण मैं लिख देती हूँ, जिसका मेन मुद्दा बना था, ठीक है, जिसके तहत मंगल पांडे ने क्या किया था, यहाँ पर मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। और मंगल पांडे ने खुद, मतलब जो एक वो आई थी, राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल में क्या था, ऐसा कहा जाता था कि इसमें क्या लगी हुई है, गाय और सुअर की चर्बी लगी है। मैं आपको यहाँ पर एक 12th की बुक में पूरा का पूरा एक ऐसे टॉपिक दिया गया कि किस तरीके से लोगों के मन में बातें भरी गई थी, इसका प्रतीक क्या था, वो सभी अभी पढ़कर सुना दूंगी, जिससे आपको बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी। आपको पता लगेगा कि मतलब जो 12th की बुक है उसमें कितना, मतलब कितने डिटेल के साथ में 1857 की क्रांति को समझाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर समाज सुधार की बात की जाए तो आपको पता है हमारे यहाँ पर जैसे सती प्रथा है, इसको बैन किया था, क्योंकि वैसे तो सती प्रथा देखा जाए तो, मतलब वैसे तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि इससे स्त्रियों की स्थिति क्या हो रही थी, बहुत सही हो रही थी। परंतु उस समय लोगों के जो मेंटल लेवल था वो इतना सही नहीं था, वो ऐसा सोचते थे कि जो अंग्रेज है वो हमारी जो भी सामाजिक परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको नष्ट करने का काम कर रही है, हमें ईसाई बनाने का काम कर रही है। इसके साथ साथ जो किसान थे, किसानों में आप देख सकते हैं कि बहुत, मतलब पहले अलग अलग क्या चलाई उन्होंने, जिस तरीके से महालवाड़ी, ठीक है, महालवाड़ी पद्धति चलाई थी, किसानी को लेकर थी, ठीक है। और यहाँ पर महालवाड़ी के साथ साथ रैयतवाड़ी चलाई थी, महालवाड़ी थी, रैयतवाड़ी थी, स्थाई बंदोबस्त था। तो ये जितनी भी ये इन्होंने, ये बहुत कठोर पद्धतियां थी, ठीक है, जिसमें किसानों को एक तरीके से शोषण किया गया था इसमें उनका, क्योंकि इसमें इनकी पूरी पूरी जमीन भी छीन ली जाती थी, ठीक है, पूरा का पूरा महाल, जो एक जो महाल बनाया गया था वहां से टैक्स कलेक्शन का काम किया जाता था। इसके साथ साथ आम जनता इसलिए परेशान थी क्योंकि आपको पता होगा कि जो अवध था, अवध को इन्होंने क्या कर लिया था, यहाँ पर अवध जो था, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने इसे क्या कर लिया, अपने साथ में मिला लिया था, ठीक है। हड़प नीति के तहत तो इसे ये नहीं मिला सका, लेकिन इस पर क्या लगाया, कुशासन का आरोप लगा दिया और कहा कि आज से तुम हमारे साथ हो, तुम्हारा राजा ऐसा है, सही काम नहीं करता है। तो इसको, उसके राजा को वहां से बेदखल करके कहीं और भेज दिया गया। तो यहाँ की जनता में क्या हो गया, उन ब्रिटिशर्स के लिए एक तरीके का रोष पैदा हो गया था, जिसने यहाँ पर 1857 की क्रांति में आग में घी डालने का काम किया, ठीक है। इसके साथ साथ जो सहायक संधि थी, जिसके तहत इन्हें अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था, ठीक है, और यहाँ पर रेजिमेंट होती थी अलग अलग, जो इन्हें क्या कहा गया था कि आप पैसा देंगे और क्या होगी, सेना क्या होगी, हमारी होगी, और आपको आपके दरबार में एक रेजिडेंट रखना होगा जो हमारा होगा, जो क्या करेगा इनकी, मतलब एक तरीके से जासूसी करेगा, देखेगा इनको। इसके साथ साथ राज्य हड़प नीति थी, राज्य हड़प नीति में वो राज्य शामिल थे जो कहीं छुटपुट राज्य, जो अंग्रेजों ने पहले लड़ाइयां करवाकर जीत लिए थे और बाद में उसको वहां पर अपना ही कोई इंसान, मतलब जिस तरीके से कोई इंडियन है उसको वहां पर बैठा दिया था। और बाद में इन्होंने 1857 के आसपास एक नीति अपनाई जिसे नाम दिया गया राज्य हड़प नीति, जिसका खुद का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और खुद का उत्तराधिकारी ना होने के तहत इन्होंने क्या कहा कि जो राज्य है वो हमारे अधीन हो जाएगा, ठीक है, आपको किसी को भी गोद लेने की अनुमति नहीं होगी। तो इस तरीके से ये जितने भी फैक्टर्स थे किसका कारण बने हैं, 1857 की क्रांति का कारण बने, ठीक है। अब मैं आपको पूरा पहले पढ़ाने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बुक में से पढ़कर बता देती हूँ, जिससे आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और आपको सुन के भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको 12th की NCERT की बुक में से पूरा का पूरा जो मतलब एक पेज है जिस पर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि इसके मतलब यहाँ पर लोगों की क्या क्या दशाएं हो गई थी, लोग कितना परेशान हो गए थे इनसे। यहाँ पर आप
आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। यहाँ लिखा है अफवाहें और भविष्यवाणी। तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। मतलब जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, अलग अलग भविष्यवाणियां कर रहे थे, साथ साथ अफवाहें भी फैल रही थी, जिससे लोगों में क्या आ रही थी, क्रांति की भावना आ रही थी। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था। ये मैं आपको भी आगे एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी कि जो बहादुर शाह जफर था, उसने जो मतलब जो सैनिक थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था। ठीक है, और कहां से आ गए थे, मेरठ से चलकर दिल्ली आ पहुंचे थे, जिस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था। जो एनफील्ड राइफल थी उस पर क्या लगा हुआ था, यहाँ पर गाय और चर्बी के कारतूस लगे हुए थे। उनका कहना था कि अगर ये इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो इनकी जाति मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की तरह फैलती चली गई। मैंने आपको बताया कि हमारे जो 1857 की क्रांति है वो हमारे उत्तर भारत में ज्यादा एक्टिव हुई थी। ठीक है, जिस तरीके से यूपी है, बिहार है, ठीक है, और हरियाणा है, पंजाब के लोगों ने तो 1857 की क्रांति में भाग ही नहीं लिया था। तो ये जितने भी आपके एरिया थे जो उत्तर भारत में लगते थे, उन लोगों ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, इसके साथ साथ इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित, यानी कि जो शस्त्रागार था वो कहां पर था, दमदम में, वहां पर काम करने वाले नीची जाति के खालसी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। मतलब उस समय में क्या था, आपको पता ही है, जाति प्रथा बहुत चरम सीमा पर थी। लोगों के मन में मतलब जाति को लेकर बहुत अधिक क्या था, एक तरीके का मतलब आप ऊंची जाति को, आप नीची जाति को, इस तरीके का था। तो वहां पर ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खालसी ने जवाब दिया, जो नीची जाति वाला खालसी था उसने क्या कहा कि अगर जल्दी ही तुम्हारी जाति क्या होने वाली है, इससे भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। तो देखिए यहां से कैसे मतलब अफवाहें थी या फिर कोई भविष्यवाणियां की गई, अलग अलग तरीके से लोगों ने काम किए, तो कैसे लोगों में ज्वाला उत्पन्न हुई। इस रिपोर्ट को विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक बार यह अफवाह फैलनी शुरू हुई तो अंग्रेज अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका और इसने सिपाहियों में गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। 1800 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी, यह अफवाह भी जोरों पर थी। मतलब सिर्फ एक ये अफवाह नहीं थी, बाकी और अफवाहें भी फैल रही थी। इसमें अंग्रेज सरकारों ने हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को भ्रष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली है। अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। शहरों और छावनियों में सिपाहियों को आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। अब मान लीजिए आज ऐसी कोई अफवाह फैल जाए कि आपके आटे में सुअर और गाय की हड्डियां या फिर कुछ ऐसा मिला हुआ है कि आप उसे खाना पसंद करेंगे, आपके मन में भी तो कहीं ना कहीं ऐसी शंका आ जाएगी, क्या शायद सच में ऐसा ना हो। तो उस समय में तो वैसे भी लोग बहुत अधिक धार्मिक थे, इन सब चीजों के विरुद्ध थे, तो आप सोच सकते हैं कि उन लोगों के दिमाग पर कैसा असर पड़ा होगा। तो लोगों के मन में क्या हो गया, एक ऐसी भावना आ गई कि ये क्या करना चाहते हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो लोगों में और अधिक गुस्सा उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसके बाद चारों तरफ इस आशय का भय और शंका बनी हुई थी कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने की ओर झिझोड़ा। इस किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से बल मिला और पलासी की जंग के 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। मतलब उनका कहना था क्योंकि 1757 में आपके पलासी का युद्ध हुआ था और 1857 में आपके यहाँ पर स्वतंत्रता का संग्राम हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, तो उनका कहना था कि अब 100 साल के बाद में जो ब्रिटिशर्स है ना, उनका राज इंडिया से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारा शासन स्थापित हो जाएगा। बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी, उत्तर भारत के विभिन्न भाग से गांव-गांव में चपातियां बंटने की भी रिपोर्ट आ रही थी। मतलब ये जो क्रांति होगी इसमें क्या था कि जैसे लोग क्या करते थे, चपातियां बनाते और एक मान लो एक गांव ने 5 चपातियां बनाई और उसमें से फिर अगले गांव तक, मतलब इस तरीके से चपाती बांटने का काम शुरू हो गया था। ठीक है,
कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था और यह सिलसिला यूं ही चलता जाता था। चपातियां बांटने का मतलब और मकसद ना उस समय स्पष्ट था ना आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उस समय लोगों के मन में उथल पुथल का जो संकेत है वो चल रहे थे, यानी कि लोग इसे क्या मान रहे थे, एक तरीके से क्रांति का एक तरीके का सिंबल माना जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे तो आगे और भी पॉइंट्स लिखे गए हैं, लेकिन मैंने आपको बस यही पढ़ाया क्योंकि इससे क्या होगा, अब आपकी थोड़ी सी समझ विकसित हो गई होगी कि किस तरीके से उस समय में लोगों के मन में अफवाहें फैलने लगी, भविष्यवाणियां होने लगी, लोग चपातियां बांटने लगे। तो अगर आपसे 1857 की क्रांति का सिंबल पूछा जाता है तो आप क्या टिक कर देंगे, यहाँ पर आप टिक करेंगे रोटी और कमल, क्योंकि कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि एक गांव के लोग कमल देकर जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सिंबल क्या है, रोटी और कमल है। अब हम जान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर जो 1857 की क्रांति है वो किस तरीके से एक्टिव हुई, क्योंकि हमें हरियाणा को जानने से पहले थोड़ा बहुत इंडिया को जान लेना जरूरी होता है, जिससे हमारे फैक्ट्स भी क्लियर हो जाए और ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि इसमें आपकी थोड़ी सी इंडियन हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाए और हरियाणा की हिस्ट्री भी। तो अब यहाँ पर आपके हरियाणा में ऐसा माना जाता है कि जब आपके यहाँ 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत आपके मेरठ से होनी थी, परंतु उससे पहले जो क्रांति का बिगुल है वो कहाँ बजना था, अंबाला में, क्योंकि अंबाला में कुछ जो मतलब इन्फेंट्री होती है, पलटन होती है, जिस तरीके से सैनिक टुकड़ी होती है, तो उसमें ऐसा कहा जाता है 60वीं बटालियन और 60वीं बटालियन के साथ साथ 5वीं बटालियन ने, ठीक है, यहां पर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, यानी कि विद्रोह करने की इन्होंने ठान ली थी पूरी तरीके से। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरा ठान लिया अंबाला में, इन्होंने क्या ठाना, अंबाला में हमारे 60वीं पलटन और सॉरी 5वीं पलटन ने, ठीक है, 5वीं पलटन ने और 18वीं पलटन ने ये ठान लिया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रांति करेंगे। ठीक है, परंतु हमारे हरियाणा का एक आदमी था जिसका नाम था श्याम सिंह। तो श्याम सिंह वैसे भी ये क्या था, मतलब शराब पीता था ये, और शराब के नशे में चूर था। इसने एक बार यहाँ पर इनकी बातें सुन ली होंगी और ये नशे में चूर होकर एकदम अंग्रेजों के नशे में आकर इसने कुछ भी, मतलब जितनी भी बातें थी इनकी वो इनके अंग्रेजों के सामने बोल दी। अब यहाँ पर BIC के सामने बोलेगा तो BIC से क्या हो जाएगी, सतर्क हो जाएगी। अब यहाँ पर BIC अगर सतर्क हो गई तो यहाँ पर इनकी जो प्लानिंग थी ना, जो अंबाला की जो 60वीं और 5वीं बटालियन थी, उसकी प्लानिंग यहाँ पर इनको फेल होती नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब अंबाला की जो छावनी थी, अब यहाँ पर इन्होंने क्या सोचा था कि जब जैसे ही जो ब्रिटिशर्स है सुबह उठकर चर्च पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनके इनका जो रसद है ना उस पर आक्रमण कर देंगे। रसद यानी कि जो भी जहां पर भी अपना जो भी हथियार वगैरह रखते थे वहां पर जाकर क्या करेंगे, वहां जाकर हम इन पर धावा बोल देंगे। परंतु इनकी बात सफल नहीं हो सकी क्योंकि श्याम सिंह ने सारी बातें BIC के सामने उगल दी थी। तो इस तरीके से अंबाला में क्रांति होनी कैंसिल हो गई और इसके तहत अब ये क्रांति कहां से शुरू होगी, 10 मई को ये क्रांति मेरठ से शुरू हुई। अब मेरठ में जितने भी सैनिक थे वो सब यहाँ मेरठ से चलते चलते 11 मई को कहां पहुंचेंगे, दिल्ली में पहुंच जाएंगे। 11 मई 1857 को मेरठ से चलते चलते ये सभी लोग कहां पहुंच गए, सैनिक लोग दिल्ली में पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने एक घोषणा की कि जो बहादुर शाह जफर है वो क्या होगा, हमारा नेता होगा। ये लाल किले में इन्होंने क्या किया, इस तरीके से दरवाजे तोड़ तोड़ कर, मतलब एक पीछे का दरवाजा था जो खुला रह गया था, जिसके तहत ये सैनिक कहां पर चले गए, जो बहादुर शाह का लाल किला है वहां पर जाकर उस किले में घुस गए। और बहादुर शाह उस समय नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़कर ही हटा था, और बीच में इन्होंने सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को घेर लिया और कहा कि तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी, अगर तू हमारा नेता नहीं बनता है तो हम सब, क्योंकि उस समय लोगों के मन में वैसे भी ज्वाला भड़की हुई थी, और नहीं तो हम तुझे मार देंगे। तो बहादुर शाह जफर क्या करता, अपनी जान बचाने के लिए इसने क्या किया कि मैं तुम्हारा नेता बन जाता हूँ। वैसे भी इसकी उम्र हो चुकी थी 65 से 70 साल का, तो वैसे ही हो चुका था ये। तो लाल किले में इन्होंने यहाँ प्रवेश किया और बहादुर शाह जफर जो है इसको क्या बना लिया, इन्होंने अपना हेड बना लिया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में यहाँ पर ये क्या बन जाता है, इनका हेड बन जाता है।
अब यहाँ पर 11 मई 1857 और 10 मई 1857 को मेरठ से दिल्ली में यहाँ पर हेड बना दिया गया बहादुर शाह जफर। लेकिन बहादुर शाह जो जफर है वो बहुत बूढ़ा आदमी था, काम नहीं कर सकता था, तो इसकी जगह किसने काम किया? बख्त खान ने। ठीक है, तो किसने काम किया है यहाँ पर? बख्त खान ने काम किया है। अब यहाँ पर आपके हरियाणा की बात की जाए तो इस तरीके से यहाँ पर दिल्ली में भी गुल बजा, दिल्ली में भी गुल बजने के साथ साथ आपके यहाँ पर हरियाणा में भी बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो क्या हो गए थे? एक्टिव हो गए थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसमें से आपका SHH जो जरूर आता है, जिसमें से आपकी क्या है? सिरसा है, सिरसा के साथ साथ हांसी की बेल्ट है, हांसी के साथ साथ आपके हिसार की बेल्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो लाइट इन्फेंट्री है उसने क्या कर दी? बगावत कर दी। ठीक है, किसने की थी? लाइट इन्फेंट्री ने। अब आप पूछेंगे लाइट इन्फेंट्री क्या होती है? लाइट इन्फेंट्री वो होती है जो सैनिक, यानी कि जो सैनिक होते हैं उनके आगे आगे चलती है लाइट इन्फेंट्री, ताकि जो पीछे के सैनिक है वो क्या रह सके? सुरक्षित रह सके। अगर कोई भी आक्रमण हो तो सबसे पहले इन पर होगा और पीछे की सेना क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। तो सिरसा, हांसी और हिसार, यहाँ की लाइट इन्फेंट्री ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इन्होंने भी क्या कहा कि हम क्या नहीं करेंगे 1857 की क्रांति में? अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, हम किसका साथ देंगे? इंडियंस का, क्योंकि ये सभी क्या है? हमारे भाई हैं, हमारे जैसे ही हैं, हम हमारे ही लोग हैं। तो यहाँ पर लाइट इन्फेंट्री सबसे पहले यहाँ पर 60वीं पल्टन बटालियन के साथ साथ यहाँ पर 5वीं बटालियन ने विद्रोह किया था, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर अब SHH ने भी क्या कर दिया है? यहाँ पर विद्रोह कर दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ बात की जाए हमारे यहाँ पर, अब बात करते हैं साउथ की बेल्ट की। ठीक है, साउथ की बेल्ट में जैसे गुरुग्राम है, रेवाड़ी है, इस तरीके की बेल्ट है। अब यहाँ पर गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में आपके यहाँ पर इस तरीके से कहाँ गई है? दिल्ली। अब दिल्ली से होती हुई जो ये सेना है ये कहाँ जाएगी? आपके हरियाणा के गुरुग्राम में। और गुरुग्राम का कलेक्टर कौन होगा यहाँ पर? विलियम फोर्ड। इसका नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्या नाम है इसका? विलियम फोर्ड। तो विलियम फोर्ड क्या है? गुरुग्राम का कलेक्टर है, यानी कि ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पर जो क्या काम कर रहा है? एज ए कलेक्टर का काम कर रहा है। तो यहाँ पर विलियम फोर्ड कलेक्टर का काम कर रहा है, और ये जो सेना है ना दिल्ली से होती हुई कहाँ जा रही है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में चलिए सेना जाएगी तो इस विलियम फोर्ड को पहले ही क्या मिल जाएगी? सूचना मिल जाएगी कि बहुत सारे सैनिक इस तरीके से दिल्ली से होते हुए गुरुग्राम की सीमा में आ रहे हैं। तो ये फोर्ड क्या समझेगा? ये थोड़ी होशियारी दिखाएगा और ये क्या करेगा? अपनी बहुत सारी सेना को लेकर बिजवासन, गुरुग्राम के बिजवासन नामक स्थान पर अपनी सेना को ले जाएगा। कहां पर? बिजवासन। ठीक है, तो बिजवासन में क्या करेगा विलियम फोर्ड? अपनी सेना को यहाँ पर लेकर जाएगा, और यहाँ पर बिजवासन प्लस जो हमारे इंडियन सैनिक है इनके बीच में क्या होगा? विद्रोह होगा, एक तरीके से युद्ध होगा। ठीक है, लड़ाई होगी, एक तरीके की हम क्या कह सकते हैं? लड़ाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब इनकी लड़ाई होगी तो यहाँ पर जो ये विलियम फोर्ड है, क्योंकि सेना इतनी गुस्से में है, जो इंडियन सैनिक है वो इतने गुस्से में है, किसकी जो सेना है उसको खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये जो विलियम फोर्ड है इसको भी, इसकी भी जान पर बनाती है, तो ये अपनी जान बचाकर इसको यहाँ से क्या करना पड़ता है? भागना पड़ता है। तो अब यहाँ पर जो गुरुग्राम की बेल्ट है, गुरुग्राम की बेल्ट विलियम फोर्ड के अंडर थी, विलियम फोर्ड की जो सेना है उसको हमारी सेना ने क्या किया? मतलब मार दिया एक तरीके से। ठीक है, या फिर बहुत परेशान किया, मारा, इसके बहुत सारे सैनिक मारे गए, और जो विलियम फोर्ड है उसको भी अपनी जान बचाते हुए यहां से भागना पड़ा। और ये भागता भागता कहां जा पहुंचा? मथुरा में जा पहुंचा। ठीक है, मतलब देख लो अब इसके मन में कितना खौफ पैदा हो गया था इनके लिए कि इसको अपनी जान बचाते हुए कहां जाना पड़ा? मथुरा में जाना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पर गुरुग्राम की जो बेल्ट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है? यहाँ पर खाली हो जाती है, और अब यहाँ पर किसका शासन हो जाएगा? हमारे सैनिकों का। तो जो गुरुग्राम की बेल्ट है वो सबसे पहले क्या हो गई? अब यहाँ पर खाली हो गई, और इसकी जगह पर किसका शासन हो गया? हमारे इंडियन सैनिकों का। अब यहाँ पर ये जो सैनिक है ये गुरुग्राम की बेल्ट में एक्टिव हो जाते हैं, और इसी तरीके से जयपुर की बेल्ट है, जयपुर राजस्थान, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे? अपने हेड रखते थे, और इन्होंने अलग अलग एरिया में क्रांति को दबाने के लिए क्या रखे हुए थे? हेड रखे हुए थे। उसी तरीके से जयपुर में इनका एक ब्रिटिशर्स का हेड था जिसका नाम था मेजर ईडन। क्या नाम था? मेजर ईडन। तो इन्होंने जो मेजर ईडन है इसको कहां पर भेजा? जयपुर से उठाकर गुरुग्राम में भेजा। तो जो मेजर ईडन है, मेजर ईडन की जो सेना है उसमें कौन शामिल थे? बहुत सारे हमारे भारतीय राजपूत शामिल थे। ठीक है, कौन शामिल थे यहाँ? भारतीय राजपूत।
तो जब ये भारतीय राजपूत इसमें शामिल थे तो जब ये यहाँ पर आएंगे गुरुग्राम में आएंगे सैनिक, तो यहाँ पर आने के बाद ये क्या करेंगे, लड़ाई लड़ने से मना कर देंगे। ये ऐसा सोचेंगे कि हम जिसे मार रहे हैं, हम जिन सैनिकों को मार रहे हैं, वो भी तो हमारे भाई बंधु है, वो भी तो हमारे भारतीय है, तो हम क्यों इनके ऊपर हाथ उठाएं, हम इन ब्रिटिशर्स का कहना क्यों माने। तो यहाँ पर मेजर हिडन की जो सेना है, जो राजपूत सेना थी, उन्होंने भी यहाँ पर लड़ाई लड़ने से मना कर दिया। और यहाँ पर इनका जो गुरुग्राम में जो इनकी बेल्ट है वो इसी तरीके से नहीं, यहाँ पर यानी कि हमारे सैनिकों का ही यहाँ पर बोलबाला रहा। तो यहाँ पर जो मेजर हिडन है इसको भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेजर हिडन की भी दाल यहाँ पर अब नहीं गलेगी। और इसी तरीके से पहले इन्होंने किसे भगा दिया, विलियम फोर्ड को भगाया, गुरुग्राम से किसे भगाया इन्होंने, विलियम फोर्ड को, ठीक है। विलियम फोर्ड के बाद यहाँ पर कौन आया है, जयपुर का मेजर ईडन आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने मेजर ईडन को भी यहाँ से भगा दिया। इसके बाद में यहाँ पर हडसन आएगा और हडसन यहाँ पर क्या करेगा, एक तरीके से इन बेल्ट पर अपना काम करेगा। हडसन रोहतक में आएगा और रोहतक का क्या करेगा, ये यहाँ पर इस तरीके से जो भी यहाँ पर क्रांति है उसको दबाने का काम करेगा। आपको मैं बता देती हूँ कि पूरे हरियाणा ने क्रांति में भाग लिया था, लेकिन तीन ऐसे हिस्से थे जिन्होंने जो 1857 की क्रांति है उसमें पार्ट नहीं लिया, जिसमें से आपके यहाँ ऊपर का हिस्सा जो जींद है, क्या नाम है, जींद, क्योंकि उस समय जो जींद है ना वो पंजाब के इलाके में लगता था, जींद, पटियाला और नाभा, ठीक है। क्या क्या है, जींद है, पटियाला है और नाभा है, ठीक है। ये तीन ऐसे हिस्से थे जिन्होंने, तीन एरिया थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, इसके पीछे भी इनके कुछ कारण थे। पंजाब ने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, उसके पीछे भी पंजाब के कुछ रीजंस थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे बहुत चालाक खोपड़ी के थे, और इन्होंने क्या किया, हमारे जो इंडियंस हैं, हमारे जो पंजाब के लोग थे, उनके मन में एक बात डाल दी कि जो ये 1857 की क्रांति का हेड है ना, वो कौन है, मुगल बादशाह है। और मुगल बादशाह ने क्या किया है, जितने भी ये तुम्हारे मुगल बादशाहों के जो पूर्वज हुए हैं, उन्होंने जो सिख है, सिखों के गुरुओं को मतलब मारा है, उनकी शहादत कर दी, उनको मार दिया, उनके बच्चों को भी मारा, ठीक है। तो इस तरीके से जो पंजाब के लोग हैं उनके मन में वैसे भी इनके लिए रोष है, तो इन्होंने सिखों के पांचवे और नौवे गुरु को क्या किया हुआ है, मारा हुआ है। तो इसलिए पंजाब के लोगों ने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। परंतु ये जो तीनों रियासतें थी, इन्होंने किसका साथ दिया है, अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। तो इसमें जींद था, पटियाला था, नाभा था, यहाँ के लोगों की तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, यहाँ के राजा क्या थे, गद्दार थे, जिन्होंने इनका साथ दिया। और यहाँ पंजाब का जो इनका साथ नहीं देने का क्या था, यहाँ पर इनके गुरुओं की हत्या की गई थी, इसलिए इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगी कल किस तरीके से रोहतक में क्रांति को दबाया जाएगा, रेवाड़ी में किस तरीके से शोवर्ष आएगा, राव तुलाराम, राजा नाहर सिंह, इन सब के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं कल की क्लास में इसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।